ये है आपके सामने ग्रैंड आई 10 न्यूज। इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है और इसका डुअल टोन वाला वेरिएंट है। इसको देखे कंफ्यूज मत होना, ये इसके ऊपर पेपर लगाया हुआ ताकि रूफ ऐसे गंदी ना हो, तो इस पिलर से आप इसे आइडेंटिफाई कर लो। ये अपना ग्लॉसी ब्लैक है और ऐसी ही इसकी रूफ भी मिलती है आपको, पेंटेड है, ये कोई टेप नहीं है, ये पेंटेड है ग्लॉसी ब्लैक। और अगर आपको आई 10 न्यूज के अंदर एनलाइन वाले फीचर चाहिए ना, मतलब इसकी अंदर की इंटीरियर जो है आपको एनलाइन जैसी चाहिए, तो आप इस वेरिएंट को लो। इसका नाम डुअल टोन होते ही ना, मतलब ये डुअल टोन वाला वेरिएंट लेते ही अंदर का इंटीरियर बिल्कुल एनलाइन जैसा हो जाता है, वो दिखाऊंगा आपको। ये गाड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इसका स्पोर्ट्स वेरियंट है ये डुअल टोन वाला। प्राइस बताता हूँ 7,46,000 रुपये, 7.46 लाख रुपीज। एक्स शोरूम आपको अब क्या क्या ऑफर करते थे इस प्राइस पॉइंट पे वो बताते हैं आपको। चाबियों से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चाबी है, एक पे घंटों उसमें उसको लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, बूट को खोल सकते हैं यहाँ से, और सेकेंडरी की जो है नॉर्मल सी मिलती है। अब प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं। ये है इसके डायमेंशन वगैरह देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है। फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देखो शानदार से यहाँ पे हेड लेंथ देखने के लिए मिलते हैं, मतलब इनकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा शानदार लगती है और लगती है यहाँ पे एक फैमिली कार बहुत प्यारी सी। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। इंडिकेटर हैं ये अपना सिल्वर हाइलाइट्स वगैरह दी हुई है। थोड़ा मतलब अंदर का जो पोर्शन है ना वो तो आपको मिलता है, देखो ग्लॉसी ब्लैक, थोड़ा स्मोकीनेस बनी रहती है अपना हेडलैम्प के अंदर। नीचे आ जाते हैं इसके DRLs जो कि अपना कुछ इस तरीके से दिए हुए और जलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे जो ग्रिल है ओवरऑल ये ग्लॉसी ब्लैक दी हुई है। नंबर प्लेट की पेसमेंट है सेटन फिंच में मिलता है यहाँ पे, Hyundai का लोगो। और ये है ओवरऑल सारी की सारी चीजें। साइड में आते हैं तो साइड में आप जो चीजें देखोगे वो आपको थोड़ी और ज्यादा शानदार लगेंगे, क्योंकि 2023 में अपडेट जब से ये हुई है इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट, खासकर यहाँ पे आपको अलॉयज मिलने स्टार्ट हो गए, तो ये इसके साथ आते हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। टायर्स की बात करें तो MRF के यहाँ पे टायर्स मिलते हैं। टायर सेक्शन जो है वो है 175/60/R15, 15 इंच का कुछ ऐसे हैंगे मशीन कट अलॉयज। आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है। फेंडर क्लीन है क्योंकि इंडिकेटर शिफ्ट हो जाता है ORVM पे, ग्लॉसी ब्लैक ORVM आते हैं जो कि माइंड ब्लोइंग लगते हैं अगेन। मतलब अभी इसके ऊपर टेप ना लगी होती ना तो आप भी देख के बोलते भाई क्या चुम्बेश्वरी लग रही है, मतलब गाड़ी व्हाइट और ब्लैक के साथ बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, बढ़िया कुल मिला के। डोर हैंडल जो है अगेन बॉडी कलर्ड ही है, यहाँ से लेफ्ट साइड से डलेगा पेट्रोल। यहाँ पे GI10 का मार्क मिलता है इसको, जो अपना थर्ड पिलर है पीछे वाला उस पे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी ग्लॉसी ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। शार्पन एंटीना जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक है, रूफ रिल्स आती है, स्पॉइलर भी ग्लॉसी ब्लैक है, यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफो वगैरह वाइपर नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। और ये कुछ इस तरीके की दिखती है पीछे से, ये अपना जलते हैं बढ़िया, जैसे आगे आपको DRLs मिलती हैं ऐसे ये पीछे जलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हेलोजन सेटअप है अगेन, जो अपना स्टॉप लैंप है, इंडिकेटर, बैकलाइट वगैरह ये हेलोजन के साथ है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये LED वाला मिलता है, ये कनेक्टेड है, ये जलते नहीं है बट ये कनेक्टेड है। रिवर्स कैमरा आ जाएगा यहाँ पे, अपना Hyundai का लोगो है जो कि अगेन सेटन फिनिश में है। नियोस यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, ग्रैंड i10 लिखा हुआ मिल जाता है, और स्पोर्ट्स जो कि इसका नाम है अपना वेरिएंट का वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। दो पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह आप देख सकते हो। लोअर लिप जो है ये अगेन मैट फिनिश में है। और बूट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये बटन मिल जाती है, जिसे प्रेस करके आप अपना जो है बूट एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे मिल जाती है। बाकी बूट स्पेस की यहाँ पे बात करें तो 260 लीटर के, मतलब 260 लीटर की यहाँ पे बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलती है। बूट लैंप है और अंदर की साइड यहाँ पे मिलता है स्पेयर व्हील जो कि स्टील व्हील है। गुडियर का टायर है। टायर सेक्शन है 165/70/R14, एक साइज डाउन भी है और थोड़ा पतला भी है। पार्सल ट्रे वगैरह मैंने आपको दिखा दी और अभी इसको कर लेते हैं बंद और अभी बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। और अब वो चमत्कार आपको दिखाते हैं जो मैंने आपको बोला था ना कि N-Line अगर आप चाहते हो इसके अंदर, मतलब N-Line जैसा स्टांस, तो ये लो जी, ये देख रहे हो आप रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह, ये हाइलाइट्स वगैरह क्या जबरदस्त लग रही है। मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था, भाई ये एक्सेसरीज का पार्ट तो है नहीं और वेरिएंट भी कोई नया लॉन्च नहीं हुआ तो ये चीज है क्या, क्योंकि मैंने देखी नहीं है जब से लॉन्च हुई है। ये वाला वेरिएंट खासतौर पर मैंने नहीं देखा, आज पहली बार ही देख रहा हूँ और जब देख रहा हूँ तो अपडेट होकर मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे डोर पैनल की बात करते हैं तो सारी चीजें ब्लैक हैं तो ये भी एक अच्छी चीज है। और अगर एक नॉर्मल वाला आप वेरिएंट लेते हो ना उसके स्पोर्ट्स, उसके अंदर बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। ये डुअल टोन के साथ ये केबिन जो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, ये भी आपको बता देता हूँ मैं, कभी आप ये सोचो भाई रूफ रूफ दी हुई है, इंटीरियर पे भी इम्पैक्ट आया भाई DT होने की वजह से, मतलब डुअल टोन होने की वजह से ये इंटीरियर भी ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका है।
डोर लिवर है, टारो पार विंडोज है, ड्राइव साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन मिलती है, विंडोज के लॉक, डोर्स के लॉक, ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फोल्ड एंड फोल्ड हो जाते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6-way मैनुअल एडजस्टेड आपको ड्राइवर सीट मिलती है, मतलब इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है। फ्यूल लिड खोलने का लिवर है, बोनट खोलने का लिवर, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट लेवलिंग डायल, नीचे 3 पेडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक, क्लच, डेड पेडल के लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे स्पॉट दिया हुआ है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। भाई थर्ड तो मस्त है, देखो जो बात है कहनी पड़ेगी। बाकी ये है अपना स्टेयरिंग व्हील, आप देख सकते हो, और ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ गाड़ी एक बार। ये है इसकी चाबी और ये कुछ इस तरीके से खुलेगी और यहाँ से डलेगी चाबी इग्निशन के अंदर, ये कुछ इस तरीके से। एक बार इसे घुमा दोगे स्टीयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हो इस सिचुएशन में गाने वाने आप प्ले कर सकते हो। सेकेंड टाइम जब आप इसे ऑन कर दोगे तो ये लो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा क्लस्टर। ये निडल्स वगैरह जो है एकदम क्रेटा की याद आपको दिला देंगे। रेड कलर के निडल्स मिलते हैं 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, डुअल डायल्स मिलते हैं, वो एक अच्छी चीज है। टेम्परेचर, फ्यूल सब आपको एनालॉग मिलेगा। बीच में एक MID आती है जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 बंदे जो बैठे हुए हैं तो वो यही 3 बंदे हैं जो अपडेट के साथ आते हैं इसके अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि पीछे वाले बंदों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। तो उसके लिए है सीट बेल्ट रिमाइंडर बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाता है। TPMS आ गया इसके अंदर जो कि एक अच्छी चीज है। आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह तो सारी चीजें यहाँ पे दिख ही रही है। बाकी ये है आपके सामने क्लस्टर कुछ इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने वाइपर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं भाई साहब। और स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है, लेदर रैप मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्या शानदार, मतलब रेड स्टिचिंग जो दी हुई है ना बिल्कुल आपको इनलाइन की याद दिला देगा ये, और क्या कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा की भी याद दिला देगा क्योंकि एक्स्ट्रा के अंदर भी सारी चीजें आपको ऐसी ही देखने की मिलती हैं, जस्ट इसको छोड़ के। वो थोड़ा डिजिटल है, ये थोड़ा एनालॉग है, बाकी ओवरऑल लेआउट आपको पता सेम ही है, ये सेम इसी कलर के अंदर है और ये थोड़े पोर्शन जो है वो अलग मिलते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर, एयरबैग का यहाँ पे टैग दिया हुआ, मतलब मार्क दिया हुआ है। एडजस्टमेंट किसकी बात करते हैं तो आपको टिल्ट और टिल्ट के ऑप्शन के साथ ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। ब्लू कलर की लाइट आती है जो कि अपना यहाँ पे जल रही है, अभी दिखेगी नहीं डे लाइट में। बाकी यहाँ की बात करते हैं एक सेकंड में, ऊपर साइड यहाँ देखो तो हेडलाइनर जो है थोड़ा ग्रेश फॉर्म में है। यहाँ पे रीडिंग लाइट मिलती है येलो कलर की, एक मिलती है जो की यहाँ नहीं है, वो बीच में मिलेगी आगे के लिए और पीछे के लिए दोनों रोज के लिए। यहाँ पे आप देखो बैनेट मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, माइक के प्लेसमेंट, मैनुअल डिमिंग, IRVM में देख सकते टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है। अब देखो डैशबोर्ड का व्यू शानदार, मतलब जस्ट डुअल टोन होने की वजह से इंटीरियर की ही थीम चेंज कर दी कंपनी ने, मुझे तो शानदार लगी ये चीज। मतलब नाम भी स्पोर्ट्स और मतलब इसका देखने और दिखाने का तरीका भी स्पोर्टी, बहुत बढ़िया। बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आएगा। फिजिकल नॉब्स एंड बटन्स है, अपना एसी वेंट, हेजर लाइट की बटन, ऑटोमेटिक एसी आता है और एसी के डायल्स के ऊपर भी आप देखो तो रेड कलर के इंसर्ट्स दिए हुए, बहुत बढ़िया भाई। नीचे एक टाइप सी पोर्ट है, 12 का चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है और यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है इस वेरियंट के अंदर। गियर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, गियर नो 5 स्पीड का मैनुअल गियर लिवर है और इसके ऊपर भी आप देखो डिटेलिंग वगैरह अच्छी की हुई है, कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक है, ब्लैक टेप के साथ है। सीट्स देखो भाई बिल्कुल एन लाइन के जैसे यहाँ पे सीट दी हुई है, मतलब ये पाइपिंग वगैरह और स्टिचिंग वगैरह जो की हुई है और रेड कलर से की हुई है। स्पेस वगैरह हम मिल जाती है अच्छी खासी, नो बॉक्स है इसके अंदर, कोई कूलिंग फंक्शन नहीं है बट स्पेस अच्छी खासी गाड़ी के अंदर। बाकी ये थी सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। और अभी चलते हैं पीछे, पीछे की स्पेस की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं और कंट्रोल्स की बात करते हैं, पीछे से गाड़ी आपको क्या क्या चीजें ऑफर करती है। अभी चलते हैं डायरेक्ट पीछे, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। सो अभी चलें इसके रेयर सीट पे और रेयर सीट पे जाने से पहले डोर पैनल देख लो आप, यहाँ पे सारी की सारी चीजें ब्लैक हैं और सारी चीजें यहाँ पे मिलती भी हैं, जैसे कि डोर लिवर, पावर विंडो, स्पीकर, बोतल होल्डर, सारी की सारी चीजें। स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में भी ये गाड़ी आपको शानदार लगेगी क्योंकि इसका जो ये थाई रूम है क्या ज्यादा शानदार दिया, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ एक्सटेंड करने की यहाँ पे जरूरत है, बहुत बढ़िया। 5'9" अगर आपकी हाइट है तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन बैठ के जाओगे। रिक्लाइन एंगल जो है इसका वो एकदम सेडान की तरह का है, तो भाई अच्छे अच्छे लंबे लंबे सफर आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। पॉकेट नहीं है इस सीट के ऊपर बट यहाँ मिल जाती को पैसेंजर साइड, रियर एसी बैंड से 12 का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, मिनिमल दाम पे बट इसकी वजह से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 बंदों को बैठने में बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आगे वाले हेडरेस्ट हैं ये अपना एडजस्टेड नहीं मिलते हैं आपको, बाकी पीछे वाले दोनों एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं और सीट बेल्ट मिलती है तीनों ही बंदों के लिए। यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं और एक रीडिंग लाइट आती है, वो मैंने आपको बताई थी। बाकी ये है ओवरऑल सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, कि इंजन कंपार्टमेंट में क्या मिलता है।
सो अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई है कंपनी ने। बाकी इंजन की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको यहाँ देखने मिलता है ह्यूंडई का 1.2 लीटर का नेचुरली स्प्लिटेड पेट्रोल इंजन, जो कि इनका कापा सीरीज का इंजन है। इस इंजन के पावर फिगर्स की हम बात करते हैं तो इसकी पावर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 81 bhp डेवलप करता है। टॉर्क की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 113 nm का टॉर्क भी डेवलप करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो गाड़ी के साथ आती है वो आती है 37 लीटर की, और जो कंपनी क्लेम करती है इसकी जो माइलेज वो है ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास की, और हाईवे पे 20 भी निकाल सकती है। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करती है इन चीजें, क्योंकि इंजन जो है काफी ज्यादा रिफाइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है, तो आपको मजा आएगा। एक साइड की बैटरी है, फ्यूज बॉक्स, फ्लूड यहाँ से डलेगा अपना जो कूलेंट वगैरह है, बाकी वाइपर फ्लूड यहाँ से डलेगा, और अपने ब्रेक ऑयल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और एक सेकंड हम इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने ग्रैंड i10 न्यू स्पोर्ट्स वेरिएंट था इसका, ये डुअल टोन वाला वेरिएंट था। अब बताना आपको गाड़ी कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आपको एनलाइन जैसे स्टांस इस गाड़ी के अंदर चाहिए ना, तो इसका डुअल टोन वाला वेरिएंट ले लो भाई। कलर जो है वो डुअल टोन में हो जाएगा, रूफ जो है ग्लॉसी ब्लैक हो जाएगी, और उसका इंटीरियर एकदम ब्लैक हो जाएगा रेड इंसर्ट्स के साथ, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बाकी बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, और हम फिर मिलते हैं।